से हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। सूबे में लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हालात अब बेकाबू होने लगे हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए कोरोना गाइडलाइंस की पालना करना बेहद जरूरी है और आपसे भी अपील यही है कि गाइडलाइंस की पालना कीजिए। पूरे देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान में भी कोरोना हाथ से निकल गया है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। सूबे में हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस मिलते जा रहे। बुधवार को भी घंटे के अंदर राज्य में 6,200 पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 29 की जान चली गई। कोरोना के मामले में राजस्थान पिछले दो दिनों से मध्य प्रदेश को भी पीछे छोड़ चुका है और इसे देखते हुए राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। परीक्षाएं 6 मई से शुरू होनी थी। कोरोना में सबसे ज्यादा भयानक स्थिति जयपुर में बन गई है, जहां बुधवार को 1,325 नए केस मिले हैं। इसके अलावा उदयपुर में 918, जोधपुर में 820 और कोटा में 646 में भी कोरोना का विस्फोट हुआ है। राजस्थान में कुल मौतों की अगर बात की जाए तो आधिकारिक संख्या 3,008 पार हो गई है। बुधवार को राज्य में एक्टिव केस 44,905 पहुंच गए। इनमें जयपुर में सबसे ज्यादा 8,601 केस हैं, जबकि दूसरा जोधपुर और तीसरा उदयपुर का नंबर आता है। यहां 5,798 और 5,712 लोग अब भी पॉजिटिव हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के साथ ही सरकार ने लॉकडाउन तो नहीं पर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाने की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री ने बुधवार दोपहर को धर्म गुरुओं और सभी दलों के विधायकों, नेताओं और सामाजिक संगठनों के साथ ओपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इसके बाद शाम को राज्य के गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी की, जो शुक्रवार की शाम 6 बजे से लागू होगी। सूबे में कोरोना की नई गाइडलाइन। शहरी क्षेत्रों में शाम 5 बजे से बाजार बंद होंगे। सरकारी दफ्तर शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे। प्रदेश में सभी कोचिंग क्लासेस, लाइब्रेरी, स्कूल बंद रहेंगे। शादी और निजी आयोजनों में 50 से ज्यादा लोग नहीं। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग हो पाएंगे शामिल। सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजनों, रैलियों, जुलूसों पर रोक। रेस्टोरेंट में 50% क्षमता से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे। सिनेमा हॉल, थिएटर, जिम और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। बसों में 50% यात्री ही जा सकेंगे, खड़े होकर सफर नहीं कर सकते। निजी वाहनों में तय क्षमता से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे। साथ ही कर्फ्यू का समय बढ़ाकर शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। सूबे में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारी है कि सरकार के नियमों और कायदों की पालना करें और कोरोना पर काबू पा सकें। आशुतोष शर्मा, सी मीडिया, जयपुर।